मिलेगी परिंदों को उड़ानों से मंजिल, मिलेंगी परिंदों को उड़ानों से मंजिल, ये वो नहीं उनके पंख बोलते हैं, ये वो नहीं उनके पंख बोलते हैं, करते हैं जिंदगी में जो कुछ खास कोशिशें, जमाने में वो नहीं उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। नाउ माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। नाउ अवर टॉपिक इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको समझाया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग के बारे में और रोल इम्पॉर्टेंस सभी के बारे में हमने क्लियर किया था, लेकिन अब ये नया कॉन्सेप्ट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों ये हमारी सोसाइटी के अंदर इसका प्रचलन हुआ, तो उसके लिए जो पहला फैक्टर है वो ये है, ड्यू टू द चेंजेस अकर्ड इन 20th सेंचुरी या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस हुए और उसके बाद लगा लीजिए जब हमें आज़ादी मिल गई, पहले क्या था ब्रिटिशर गवर्नमेंट शासन करती थी, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उनका मेन जो एम्फेसिस था वो टैक्स कलेक्शन था और लोगों को अपने काबू में बनाए रखना था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950 के बाद, उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस था, सोशल स्टेटस था लोगों का, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और उसके कई कारण थे, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार का भी कारण था और जो बाहरी शासन हमारे ऊपर रहे उसकी वजह से हम पूरी तरह से डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए, तो ये सभी कारण थे। तो लोग चाहते थे कि उनका विकास हो और जो विकास होना चाहिए उसके लिए जो चेंजेस एनवायरमेंट है उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को कॉपअप होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमारे कई नए जो फिलॉसफर आए, नई सोच वाले व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आए और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नया वर्ड जोड़ दिया, न्यू, जिसको कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका सेकेंड फैक्टर ये था, इंक्रीज द डिमांड ऑफ वेलफेयर वर्क बाय पीपल, यानी कि जब डेमोक्रेसी आ गई, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो लोगों ने अपनी डिमांड्स को इंक्रीज कर दिया। लोगों ने यह सोचा कि हमें सारी की सारी फैसिलिटीज हमें डेवलपमेंट के लिए वो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, और लगातार हमारी जो लोगों की तरफ से डिमांड थी वो बढ़ती गई और जितने भी वेलफेयर ही वर्क हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में थे, हेल्थ सेक्टर में थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में थे, या जितने भी आप लगा लीजिए आज जो भी सुविधाएं हम सब लेकर के बैठे हैं वो सारी सुविधाएं हमें एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रोवाइड करवाता है। लेकिन पुराने समय में ये नहीं था और ये 1960 के बाद गवर्नमेंट अवेयर हुई है, तो इसलिए इन दो फैक्टर्स की वजह से मेनली एडमिनिस्ट्रेशन में ये नया कॉन्सेप्ट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा गया। अब इसकी फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड चेंजेस। देखिए कोई भी इनोवेशन जब की जाती है उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई चेंजेस की जाती हैं उसके पीछे भी कई कारण होते हैं, और इनोवेशन और चेंजेस के बिना जो टाइम लगातार चेंज होता जा रहा है, हमारी सोशल इकोनॉमिक्स नीड्स जो बढ़ती जा रही हैं, पहले सिर्फ लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान ही तीन नीड्स होती थी, लेकिन आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इन तीन नीड्स को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अच्छी जिंदगी हम तभी जी सकते हैं अगर हम पूरी तरह से सभी सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए अब क्या किया गवर्नमेंट ने, नए नए चेंजेस करने शुरू कर दिए। पहले सारे काम मैनुअल्स होते थे, अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारे काम को ऑनलाइन सिस्टम से कर दिया गया, और जिसको हम
ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसलिए जरूरी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अपना काम कर सके, और जो रेड टेपिज्म है उसको खत्म किया जा सके, और जो अफसरशाही के कारण काम लटके रहते हैं, जो हायरार्कल सिस्टम इतना बड़ा किया हुआ था उसके कारण जो काम रुके रहते हैं, उन कामों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो है वेबसाइट्स बने, उनके लिंक्स बनाए जाएं, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट्स के से अगर हमें किसी भी जरूरत के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो हम उसकी वेबसाइट पे जाकर उस लिंक पर अप्लाई कर सके। तो आज के टाइम में ई गवर्नेंस जो है सबसे बड़ा उदाहरण है इनोवेशन एंड चेंजेस का। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा जोर दिया जाता है सरकारी तंत्र के जवाबदेह होने पर, यानी कि सरकारी तंत्र जो है जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें हमारा सारा अफसरशाही आती है, हमारे जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफिसर सब आते हैं, तो वो उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहकर उनकी क्या जिम्मेदारी है, जो काम उनको सौंपे गए हैं वो काम कितने दिन में कैसे निपटाए जा रहे हैं। तो मेनली जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर भी आती है। तो उसमें क्या है, ये क्या करते हैं, मेकिंग रेलिवेंट पॉलिसी बाय टेकिंग रेलिवेंट डिसीजन। देखिए, कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो सबसे पहले पोस्ट गॉर्ब में हमने पढ़ा था कि उसकी प्लानिंग की जाती है, यानी कि किस वर्ग के लिए कौन सी पॉलिसीज की ज़रूरत है सबसे पहले उनको देखा जाता है, और उससे रिलेटेड भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, उन लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिले, इसलिए रेलिवेंट डिसीजन उसके लिए लिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो डिसीजन ले लिए जाते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी टू ऑल बेनिफिशियरीज। देखिए, कोई भी जो पॉलिसी बनाई है, अगर वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, या महिलाओं के लिए, या बच्चों के लिए, या एनी अदर एल्स किसी भी समाज के वर्ग के लिए बनाई जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है कि वो इम्प्लीमेंट हो थ्रू आउट होल कंट्री, कि जब तक वो वहाँ तक नहीं जाएंगी जहाँ ज़रूरत है, तब तक उन पॉलिसी के सक्सेस होने का हम बिल्कुल भी कह ही नहीं सकते कि वो सक्सेस होंगी। और सक्सेसफुल तभी होंगी जब वो बेनिफिशरीज के पास पहुंचेंगी, और बेनिफिशरीज उनसे बेनिफिट्स उठाएंगे, और बेनिफिट उठा करके वो अपने सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को ग्रोन अप कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो काम उनको सौंपा गया है उसको पूरा करना और पूरा करके उसकी रिपोर्टिंग सरकार के सामने लाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इसमें हम ले सकते हैं डायनामिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचनाओं में गतिशीलता। देखिए, अब तक हम देखते आए हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो उसमें कई प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं सभी डिपार्टमेंट्स अपने डिफरेंट पोर्टफोलियोज को बनाने के लिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट उस काम, उस नाम से बनता है जो उसका काम होता है, जैसे कि बिजली विभाग मेन काम क्या है, बिजली सप्लाई करना, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट उनका मेन काम क्या है, वाटर सप्लाई करना, उसमें पाइपिंग की फैसिलिटी देना, उसमें एम्प्लॉयज को लगाना, उसमें जो है टैप्स लगवाना, लोगों के घर में स्वच्छ पानी पहुंचाना, ये सारे उनके सब जो वर्क, सब वर्किंग वो कहलाती है, लेकिन मेन वर्किंग क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ले लीजिए या एनी अदर आप हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, तो वो सारे डिपार्टमेंट एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बने होते हैं, और उस सिस्टम में कई सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम करने पड़ते हैं। और जैसे कि आजकल एग्जांपल है कि कोरोना काल चला है, यानी कि कोरोना जो डिसीज है वो वर्ल्ड वाइड चली हुई है, और डिफरेंट कंट्रीज कोरोना को लेकर के डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉलिसीज बना रहे हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके लिए अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, और सैनिटाइजेशन का काम जो है बड़ी जोर शोर से चलाया जा रहा है। तो ये सारे काम जो किए जा
जाते हैं वो पॉलिसी के अंडर ही आते हैं, उसके लिए पहले पॉलिसी बनाई जाती है, बजट रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे काम निपटाए जाते हैं। तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है सभी पॉलिसीज को पहले जो है लगाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी काम अगर सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा तो वो काम जो है बहुत टाइम लग जाएगा उसको पूरा होने में, और जहां तक उस काम के बेनिफिट्स को पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन जो है सिस्टम शुरू कर रखा है। और फिर क्या है, फ्लेक्सिबल हायरार्कल सिस्टम। हायरार्कल जो हायरार्की सिस्टम हम देखते हैं कि ये हायरार्की सिस्टम है कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो ए बी सी अलग अलग स्टेप्स पर लिया जाएगा, और जो भी स्टेप्स जो है कवर किए जाएंगे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, वो जो सारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो कोई भी, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई भी डिसीजन जब लिए जाते हैं तो अगर वो डिसीजन सी कैटेगरी यानी सी कैटेगरी के लोगों के द्वारा लिए जाने हैं तो पहले वो बी और ए से उसकी जो है परमिशन लेंगे, और परमिशन मिलने के बाद दोबारा से उनकी मीटिंग्स होगी, मीटिंग के बाद वो दोबारा से सारा उसका जो है एक ड्राफ्ट बना करके उनके पास भेजेंगे, फिर उनको दोबारा से अलाउ करेंगे, फिर दोबारा से उसी स्टेप को कवर करते हुए वो नीचे आएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारा पुराना सिस्टम था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, हायरार्कल सिस्टम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि जिस स्टेप पर डिसीजन लेना है वो स्टेप अपने लेवल पर ड्राफ्टिंग बना करके एक बार उसकी परमिशन लेकर के और जो है उस डिसीजन को ले सके, और डिफरेंट लेवल पर जो एम्प्लॉयज बैठे हैं वो वहां की परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन ले सके। फिर है सोशल इक्वालिटी विद मैक्सिमम बेनिफिट टू वीकर सेक्शन। देखिए, सोशल इक्वालिटी का मतलब है सामाजिक समानता, यानी कि ऑल फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए सब कुछ। गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटी है या गवर्नमेंट की कोई भी जगह है, पब्लिक पार्क है या जो पब्लिक लाइब्रेरीज है या जो पब्लिक कम्युनिटी हॉल्स हैं, जो भी है वो सबके लिए है। तो ये एक अलग बेनिफिट्स हो गया, एक अलग एमिनिटी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट टू वीकर सेक्शन। जो हमारा सेक्शन काफ़ी वीक है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो पहले के समय से लेकर के बहुत ज़्यादा डाउन वर्ड्स रहे हैं, और उनको ऊपर करने के लिए उनको इकोनॉमिकली हेल्प करने की जरूरत है या उनके लिए डिफरेंट तरह की पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि वो भी समाज में अपने सोशल स्टेटस को अच्छा कर सके, इकोनॉमिक स्टेटस को अच्छा कर सके। तो ये सारे बेनिफिट मैंने आपको जो है बताए हैं। आप इन बेनिफिट्स को तभी समझ पाएंगे जब ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही अगले इस फ्राइडे को अपनी जो है नई वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।